हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। हमारे देश में सैकड़ों प्रकार की बोलियाँ व भाषाएँ हैं, जिसमें हिंदी भाषा का एक विशेष स्थान है। हिंदी ने पूरे देश को एकजुट रखने का कार्य किया है और हमारी आज़ादी की लड़ाई के समय में भी सबसे मजबूत संपर्क सूत्र के रूप में काम किया। धीरे धीरे हिंदी भाषा का और भी ज़्यादा विकास व विस्तार हुआ और आज हिंदी भाषा पूरे विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। सोशल मीडिया से लेकर आज हर नई तकनीक में हिंदी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी भी हिंदी भाषा के राह में कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं हिंदी के इतिहास और इसके पूरे सफ़र के बारे में। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। हिंदी भाषा में पहले की अपेक्षा काफ़ी बदलाव आए हैं। इसके बदलाव का काफ़ी पुराना इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, लेकिन समय समय पर हिंदी भाषा का नाम बदलता रहा है। कभी लोग वैदिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अब हिंदी के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा है। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। इसके बाद से लगातार हिंदी समृद्ध होती गई और इसका रुतबा भी बढ़ता गया। अब जानते हैं आज़ादी के बाद हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का सफ़र कैसे शुरू हुआ। सन 1947 में जब हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, तब देश के सामने भाषा की एक बड़ी चिंता खड़ी हुई। भारत एक विशाल देश है, जिसमें विविध संस्कृति और सैकड़ों भाषाएं हैं जो देश में बोली जाती हैं। तब हिंदी भाषा ने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा बताई। 1917 में गुजरात के बहरूच में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का आह्वान दिया, जिसे उत्साह के साथ स्वीकृति की गई। 1918 में महात्मा गांधी पहली बार इंदौर पहुँचे, जहां हिंदी सभा की अध्यक्षता इन्होंने ही की। इसी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के बाद राजभाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की। 1947 में आज़ादी के बाद देश में भाषा को लेकर बड़ी चिंता उभर कर सामने आई। 1946 में आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी। संविधान सभा में पुरुषोत्तम दास टंडन ने हिंदी भाषा के लिए वकालत की, क्योंकि राष्ट्रभाषा के चुनाव के दौरान अंग्रेजी शासन का प्रभाव देखने को मिल रहा था। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा की जगह तो मिली, लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पर नहीं अपनाया गया, जिसे लेकर आज भी कई मुद्दे उठाए जाते हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और भी कई साहित्यकारों ने कई अथक प्रयास किए हैं। बाद में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी राजभाषा तो बन गई थी, लेकिन इसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी था कि इसे राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि में राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। फिर इसके बाद 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया। इसके मुताबिक तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाज हिंदी भाषा में कर सकता है।
सरकार ने 22 भाषा समेत हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। अब धीरे धीरे हिंदी बोलने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी दिवस का उद्देश्य है कि इसका विस्तार और तेजी से हो। युवा पीढ़ी इसे नई तकनीक, संस्थानों, दफ्तरों में अपनाए, इसे अपने जीवन में एक विशेष स्थान दिया जाए। ये एक दिन हिंदी दिवस लोगों को इस बात से रूबरू कराती है कि जब तक हम हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं होगा। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करते हैं और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, उन्हें पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हैं और दूसरा राजभाषा गौरव पुरस्कार है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग समिति को दिया जाता है और राजभाषा गौरव पुरस्कार व्यक्ति को दिया जाता है। अब जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये थी हिंदी दिवस से जुड़ी पूरी जानकारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। धन्यवाद।